हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी, शुगर फ्री एंड वेरी टेस्टी खजूर ड्राई फ्रूट रोल। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने के लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की आपको ज़रूरत होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन के अंदर 1 टेबल स्पून जितना घी लेंगे। यहाँ पर 1 कप जितने मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया था। इसे हम 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, जब तक हमारे ड्राई फ्रूट्स थोड़े से क्रिस्पी नहीं हो जाते। ड्राई फ्रूट्स का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है, तो इसमें 1 टेबल स्पून जितनी सेसमी सीड्स यानी तिल ऐड करेंगे। तिल को आप सर्दियों में ज़रूर कंज्यूम करें, तिल खाने के बहुत सारे फायदे हैं। ये विटामिन ई से भी भरा होता है, जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तिल को हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, कुछ 30 सेकंड या 1 मिनट तक आप रोस्ट कर लें लो फ्लेम पर, और सारे ड्राई फ्रूट्स को हम एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब सेम पैन के अंदर 1 टेबल स्पून जितना घी ऐड करेंगे, और मैंने यहाँ पर 800 ग्राम जितनी डेट्स ली हैं, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया था। हमें डेट्स को 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनना है घी के अंदर। जैसे ही हम डेट्स को भूनते जाएंगे, वैसे ही हमारी डेट्स एकदम सॉफ्ट होती जाएंगी, कुछ इस तरह। 5 मिनट के बाद मैं और 1/2 टीस्पून घी ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। डेट्स को और 5 मिनट के लिए भूनेंगे तो ये एकदम से सॉफ्ट हो जाएगी। इसे भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 2 टेबल स्पून घर की मलाई ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हो गई ना एकदम सॉफ्ट हमारी डेट्स। अब डेट्स के अंदर 2 टेबल स्पून जितना बिस्किट्स का पाउडर ऐड करेंगे। आप कोई से भी बिस्किट्स ले सकते हैं, मीठे वाले। इसे डालने से बाइंडिंग अच्छी आती है। 1 टीस्पून जितना इलायची पाउडर ऐड करेंगे, और वो ड्राई फ्रूट्स जो हमने पहले से रोस्ट करके रखे थे, इसे भी ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और हमारा डेट्स का मिक्सचर रेडी है। अब एक प्लास्टिक लेना है कुछ इस लेंथ का, और मैंने जो डेट्स का मिक्सचर बनाया था उसकी 1/2 क्वांटिटी यहाँ पर मैंने ले ली है प्लास्टिक के ऊपर। प्लास्टिक को हल्का हल्का प्रेशर देते हुए खजूर रोल को रोल करेंगे, ताकि ये परफेक्टली एकदम शेप में आ जाए, कुछ इस तरह। अब एक बार रोल करने के बाद हम इस तरह प्लास्टिक को खोल देंगे और साइड्स को शेप दे देना है। अब खजूर रोल के ऊपर खसखस स्प्रिंकल करनी है। खसखस स्प्रिंकल करने से इसका लुक बहुत बढ़िया आएगा। रोल के ऊपर की साइड खसखस लग गई है, तो इसे हम अब नीचे की साइड लगाएंगे, कुछ इस तरह। ध्यान रहे कि जो खसखस है वो इवनली पूरे रोल पर लग जाए। अब सारे रोल पर खसखस लग गई है, तो इसे प्लास्टिक के साथ साथ हम रोल करते जाएंगे, थोड़ा सा प्रेशर देते हुए, ताकि जो खसखस है वो रोल के अंदर अच्छे से चिपक जाए। हमारा एक रोल रेडी है। इसी सेम तरीके से मैंने दूसरा रोल भी रेडी करके रख लिया है, जिसके ऊपर मैंने खसखस की बजाय डेसिकेटेड कोकोनट को छिड़का है। अब इन दोनों रोल को फ्रिज के अंदर 20 से 25 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। 20 से 25 मिनट के बाद हमारे रोल परफेक्टली सेट हो गए हैं और ये कट करने के लिए एकदम रेडी है। अब दोनों ही रोल्स को कुछ इस तरह से कट कर लेंगे पीसीस के अंदर। हमने फर्स्ट रोल के पीसेस कर लिए हैं, तो इसी तरह अब हम सेकंड रोल के पीसेस करेंगे, जिसके ऊपर हमने डेसिकेटेड कोकोनट छिड़का था, कुछ इस तरह। अब सारे ही रोल के इसी तरह पीसेस कर लेंगे। सारे रोल के पीसेस हमने कर लिए हैं और ये खाने के लिए एकदम तैयार है। खजूर हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी भी होती है, और ये एक एनर्जी बूस्टर का भी काम करती है।
आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।